सुप्रभात छात्र छात्राश्च, मम दिनचर्या हम आपको बताए थे पिछले वीडियो में, अभी हम इसका अभ्यास आपको बता रहे हैं। मम दिनचर्या का इसका शब्दार्थ जो बोले थे, उत्तिष्ठामि उठता हूँ, निवृत्त मतलब निपट कर, सार्ध मतलब आधा, प्रातराश्यम मतलब नाश्ता, प्रातराशयम मतलब सुबह का नाश्ता, बस यानेन मतलब बस से, पादोन मतलब पौने, गत्वा मतलब जाकर, मध्याह्न भोजन अवकाश मतलब दोपहर के भोजन का समय, सपाद मतलब सावा, खेलुतुम मतलब खेलने के लिए, आगत्य मतलब आकर, पठितुम मतलब पढ़ने के लिए, उपविशामी मतलब बैठता। यह शब्दार्थ अपने कॉपी पर लिख के इसको याद करना है। उच्चारणम कुरुत दिनचर्या, दिनचर्या का मतलब सुबह से लेकर शाम तक आप क्या करते हैं उसको दिन का चार्या बताया जाता है। उत्तिष्ठामि उठता हूँ, पूजनांतरम पूजन करने के बाद, भोजनावकाश भोजन के अवकाश के बाद, उपविशामि बैठता हूँ, पठत एवं लिखत, व्यायामम व्यायाम, प्रातराशियम प्रातरासम, मध्यान मध्यान, दूरदर्शन यंत्रे दूरदर्शन यंत्रे, विश्रामः विश्रामः, सार्ध खटवादने। अब एक शब्द में उत्तर देना है, अंशुलः कदा उठिष्ठति, अंशुलः कब उठता है, पंचवादने पांच बजे उठता है। किम अंशुलः प्रातः उठाय मातरम पितरम च नमति, क्या अंशुलः प्रातः उठने के बाद माता पिता को नमस्कार करता है, सर्वप्रथम सबसे पहले माता पिता को प्रणाम करता है। अंशुलः केन विद्यालयम गच्छति, बस यानेन विद्यालयम गच्छति, बस यान से विद्यालय जाता है। अंशुलस्य विद्यालय मध्याह्न अवकाश कदा भवति, अंशुल के विद्यालय में मध्याह्न मतलब टिफिन का समय कितने बजे है, एकादश वादने ग्यारह बजे। अंशुलः खेलुतुम कदा गच्छति, चतुर्वादने खेलने के लिए कब जाता है, चतुर्वादने। परस्पर मेलनम, अंशुलः कब उठता है इस घड़ी को टाइम देखकर मिलाना है तो पांच बजे। अंशुलः खेलुतुम गच्छति कितने बजे जाता है तो चार बजे। अंशुलः विद्यालयात गृहम आगच्छति कितने बजे विद्यालय से घर आता है, दो बजे। अंशुलः दूरदर्शनम पश्यति, दूरदर्शन कितने बजे देखता है, पौने आठ बजे। अब संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है, वह छह बजे उठता है, सह खड़वादने उत्तिष्ठति, वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, सह पठितुम विद्यालयम गच्छति, वह खेलने वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, सह पठितुम विद्यालयम गच्छति, वह खेलने के लिए बाहर जाता है, सह खेलितुम वही गच्छति, वह रात को दस बजे सोता है, सह रात्रि दस वादने शयनम करोति, वह व्यायाम करता है, सह व्यायामम करोति। अब हमको प्रत्यय और प्रकृति को अलग अलग करना है, धातु और प्रत्यय को। तो गत्वा में गम जोड़ अक्त्वा, पठितुम में पठ जोड़ तुमुन, खेलितुम में खेल जोड़ तुमुन, निवृत्त में नृ जोड़ कह अक्त्वा, पठित्वा में पठ जोड़ अक्त्वा, खादित्वा में खाद जोड़ अक्त्वा, कठित्वा में कठ जोड़ अक्त्वा। अधोलिखितान अद्योलिखित पदानाम उपसर्गम पृथक कृत्वा लिखत, मतलब उपसर्ग को अब अलग अलग करना है। उपविशामि उपसर्ग हो गया, अब विसति धातु विष धातु हो जाएगा, विसति से विसति बनेगा। आगत्य आ उपसर्ग हो गया, अगम धातु है, आगत्य हो जाएगा। स्वपठन स्व सु उपसर्ग हो गया, अपठ धातु हो गया। तत्पश्चात तत् धातु हो गया, अपश्चात शब्द हो गया। अब है फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। शौचादि भी निवृत्तम अंशुलः स्नानम करोति, शौचादि कार्य सबसे निवृत्त होकर अंशुलः स्नान करता है। अंशुलः पूजान्तरम प्रातराशम खादति खादति, और पूजा के बाद वह नाश्ता करता है। पादोन त्रिवादने अंशुलः गृह कार्यम करोति, पौने तीन बजे वह घर का काम करता है। भोजनम अनंतरम
अंशुला भ्रमति, भोजन के बाद वह घूमता है। अंशुला बस यानेन विद्यालयं गच्छति, वह बस के द्वारा, बस के माध्यम से विद्यालय जाता है। अब चलिए प्रदत्त घटिका चित्र समयं प्रदर्शयत, मतलब इसको देखकर, इस घड़ी को देखकर समय लिखना है। हम तो एक लिख दिए हैं और आपको पुनः सब लिखना है। अगर नहीं आएगा तो वीडियो में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। पादोन द्विवादन काले, मतलब पौने दो बज रहा है। यहाँ पर 7:30 है तो सार्ध सप्तवादने, यहाँ पर क्या कितना बज रहा है, पौने 5 बज रहा है तो पादोन पंचवादने, यहाँ पर 10 बज रहा है तो 10 वादने, यहाँ पर 6:30 है तो सार्ध खडवादने, यहाँ पर 8:15 है तो क्या हुआ, सपाद अष्टवादने। घटिकां दृष्ट्वा समयं लिखत, घड़ी को देखकर समय लिखना है। तो यहाँ पर सपाद खडवादन काले लिखा हुआ है, उसी तरह यहाँ पर क्या है, 2:45 होने वाला है, तब पादोन त्रिवादने, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4:30 है तो सार्ध चतुर्वादन, यहाँ पर क्या बज, कितना बज रहा है तो 11:30, तब सार्ध 11 वादन, यहाँ पर कितना है 12:15, तो पादोन द्वादश वादन, वादनम या वादन काले, यहाँ पर 1 बज रहा था, 1 वादन काले। उसके बाद संधि कुरुत, विद्या जोड़ आलय विद्यालय, भोजन जोड़ आलय भोजनालय, भोजन जोड़ अवकाश भोजनावकाश, मध्य जोड़ अहन मध्यान्ह, और इसी तरह आपका यह चतुर्थ लेसन, मतलब चतुर्थ पाठ संपन्न हो गया। वीडियो में देखकर आपको दिक्कत होगा, आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।